हेलो हाय यादव, सत श्री अकाल। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज के रीडिंग में देखेंगे करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर, जिसके बारे में भी सोच करके आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, ये सब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। पहले देखेंगे कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। कुछ सेगमेंट में मैं इस रीडिंग को करूँगी, आपकी एनर्जी, देन आपके पर्सन की एनर्जी, देन उनका नेक्स्ट एक्शन एंड कुछ डिवाइन गाइडेंस फॉर यू ओनली। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। मुझे जहाँ तक दिख रहा है, आप इस कैंडल की फ्लेम को देख सकते हैं, आपके पर्सन कुछ डिस्ट्रक्शन उनके लाइफ में चल रहा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप कैंडल के फ्लेम को देखिएगा, किस तरह से हो रहा है ये फ्लेम। मुझे नहीं पता कि इसकी साउंड आपको आ रही है कि नहीं, बट इनकी माइंड अभी बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं है। बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। एनीवे, चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। तो पहले मैं देखूंगी कि आप किस एनर्जी में हैं, ठीक है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं, और अभी आपको खुद पे कंसंट्रेट करना है जब मैं कार्ड को शफल कर रही हूँ। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिएगा, किस एनर्जी में है मेरे व्यूअर्स। लास्ट शफल, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, पैशनेट है आप, हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, डेथ, फूल, किंग ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, और दो कार्ड्स लूंगी, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, आपकी एनर्जी अच्छी है, लेकिन आप भी थोड़ा बहुत मुझे स्टकनेस में दिख रहे हैं। कुछ एनर्जी आपकी भी स्टक है, तो मैं पहले साइन बता देती हूँ। आप देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है तो सारे के सारे साइन आ जाते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। आप लोग हो सकते हैं फायर साइन, हो सकते हैं वाटर साइन, हो सकते हैं अर्थ साइन, एंड हो सकते हैं वाटर साइन आ गया है। ओके, यहाँ पे ईयर साइन मिसिंग है, बट जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सबकी ही एनर्जी पिक होती है। ओके, आप ना अभी मुझे दिखाई दे रहे हैं अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा और फोकस्ड है, बहुत मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस हिसाब से आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो थोड़ा मुझे इंपेशेंट एनर्जी भी आपकी दिखाई दे रही है। एफर्ट्स बहुत लगा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में होने लगे। तो जब वो चीज़ नहीं हो रही है, क्योंकि हर एक चीज़ होने में एक टाइम लगता है, जब वो चीज़ नहीं हो रही है तो आप इम्पेशेंट हो रहे हैं। ओके, कुछ आपके गुरु से आपको कोई ज्ञान मिल रहा है, या आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। स्पिरिचुअल पाथ में मुझे आगे बढ़ते हुए आप लोग दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको रिसेंटली किसी तरह किसी पर्सन से मिले हैं, जिनकी जिनको आप गुरु मान करके उनके कही हुए बातें आप फॉलो कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और इससे ना आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ ग्रोथ भी हो रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, आप ऐसा आपका जो कैरेक्टर है, आपका जो ऑरा है, सबको
अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा मुझे ईगो में भी दिखाई दे रहे हैं। जितना भी आपने हो सकता है अचीव किया है या आपके ऑरा की वजह से कुछ लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मुझे ईगो में भी दिखाई दे रहे हैं, अपने पर्सन को स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बहुत जल्द आने वाली है। विद इन अ मंथ आपके सामने किसी तरह का अपॉर्चुनिटी आप देखेंगे जो फिनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड होगा, वैसी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ बढ़ने आने वाली है और आपको इस चीज को अवेल भी करना है। मैं यहाँ पे देख लेती हूँ डेथ किस लिए आया है। डिवाइन गाइड कीजिए, डेथ क्यों आया है, क्लैरिफाई कीजिए डेथ कार्ड को प्लीज। डिवाइन डेथ कार्ड को क्लैरिफाई करें। थ्री ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स एंड चैरियट। देखिए मुझे जहाँ तक दिख रहा है ये आपके रिलेशनशिप में कुछ किसी तरह का एंडिंग इन द पास्ट हुआ था और थर्ड पार्टी प्रेजेंट था, तो वहाँ से ना आपने अपने आप को बहुत अच्छी तरह से निकाल दिया है। अभी आप मुझे स्टेबल कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हाँ संभव कहीं पे मुझे बर्डन भी आपको बर्डन भी फील हो रहा है अपने लव लाइफ के बिना, तो वो चीज़ भी मुझे दिख रहा है, लेकिन आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन में हैं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा आपका झुकाव मुझे दिखा दे रहा है। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो किसी गॉड से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ी आपकी एनर्जी मुझे जो दिख रहा है ना, थोड़ी सी केयरलेस एनर्जी है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, पास्ट को भुलाते जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं इतना ज़्यादा आपको ध्यान नहीं है। आप अपने पर्सन के लिए प्यार बहुत फील करते हैं, लेकिन उस चीज़ को थोड़ी बहुत हाइड करने की मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। पास्ट को भुलाना है, ये आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आपने लगा लिया है और अपने इमोशंस को उसी हिसाब से कंट्रोल भी कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके लाइफ में प्यार से रिलेटेड भी चीज़ें बदलेगी, बहुत बहुत अच्छी तरह से। अच्छा, एक भाग्य का पहिया जो होता है वो घूमने का मुझे बहुत ज़्यादा चांस दिखाई दे रहा है। आपके लाइफ में कमिटमेंट देने वाला कोई इंसान आ सकता है, या हो सकता है कि ये पास्ट का ही कोई इंसान हो जिसके लिए आप इतने दुखी है, जिसके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है और वही वापस आए और आपको कमिटमेंट दे। ऐसा भी हो सकता है ये आपके लाइफ में किसी तरह का नए इंसान का भी नए इंसान भी आ सकते हैं, आपको कमिटमेंट शादी तक बात जा सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। आपके लव लाइफ में थोड़ा स्टकनेस आप फील कर रहे हैं, ये पूरी तरह से श्योर है। तो ये था आपकी एनर्जी। ओके, अभी देख लेते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है, जिसके लिए भी सोच करके आप इस रीडिंग तक आए हैं, जिनका करंट एनर्जी आपको जानना है, उनकी एनर्जी क्या है वो देख लेते हैं। तो इस टाइम में क्या करना है आपको, अपने पर्सन के बारे में सोचना है, उनका नाम अपने मन में तीन बार ले लीजिए एंड एनर्जी को कनेक्ट होने दीजिए। उनको विजुलाइज कर सकते हैं, उनका फोटो देख सकते हैं। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, क्या चल रहा है उनके दिल में दिमाग में, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स, स्टकनेस इनके लाइफ में भी है, इनके लाइफ में भी बहुत स्टकनेस मुझे फील हो रहा है। एंड कैंडल्स के फ्लेम देखिए क्या अजीब तरीके से ये फ्लेम जल रहा है, जैसे अच्छी तरह से जल ही नहीं रहा है। मुझे नहीं पता इसका साउंड आप लोगों को आएगा कि नहीं, बट अजीब तरीके से मैंने अब इतना रीडिंग किया है, इस तरह का कैंडल लाइटिंग मैंने नहीं देखा। कुछ छुपा रहे हैं आपके पर्सन, मुझे कैंडल की फ्लेम से जो पता चला है, कुछ छुपा रहे हैं, कुछ उनके अंदर में दर्द है, जिस चीज से अंदर ही अंदर रोना एक होता है ना, वो चीज मुझे फील हो रहा है। एनीवे,
current feelings of my viewer's partner. And the last shuffle, hermit, detached mode, stuckness, बोली थी आप लोगों को. कार्ड्स देखिए सिर्फ, फाइव ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स. एनी हाउ अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, दुखी है, बहुत दुखी है, लेकिन किसी तरह से अपनी फीलिंग्स किसी को पता ना चले इसकी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं. द मैजिशियन, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वांड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक, हेरोफेंट. शादी करना चाहते हैं आपसे, शादी करना चाहते हैं. ओके, आपके पर्सन की मैं बता देती हूँ साइन. यहाँ पे वाटर साइन मौजूद है, वर्गो प्रोमिनेंट है, एंड वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन एंड एयर साइन, चारों के चारों साइन मौजूद है. ओके, आपके पर्सन ना जहाँ पर भी है बहुत डिटैच्ड मोड में है. अगर ये अपनी फैमिली के साथ भी है तो फैमिली में है ही इतना है, किसी के साथ अटैचमेंट वो फील नहीं कर रहे हैं. उनको ऐसा लग रहा है फैमिली के लिए करते करते एक होता है ना एक थका हारा सा एनर्जी, उस टाइप की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पर्सन की. थक गए हैं वो फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते. हो सकता है उनके मन के हिसाब से कुछ नहीं किया गया हो, या फैमिली के हिसाब से इन्होंने अपने मन की बहुत, दिल की बहुत सैक्रिफाइस किया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है. ऐसा नहीं है कि उनके लाइफ में कुछ भी नहीं है, उनके लाइफ में है बहुत, लेकिन आप जो उनके लाइफ में नहीं है इस चीज़ का उनको इतना गम है कि वो जो भी चीज़ उनके पास है उसमें वो कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे, उसकी तरफ वो देख ही नहीं रहे हैं. उनको लग रहा है कि कैसे चीज़ें सब कुछ सही करें, और उनको लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं बचा है अब चीज़ों को सही करने के लिए. एक थका हारा एनर्जी, एकदम एक लॉस्ट पर्सन होता है उस टाइप की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है. अपना प्यार भरा कप आपको ऑफर करना चाहते हैं, लेकिन किसी तरह का स्टकनेस है जिस वजह से वो खुद को रोक भी रहे हैं. अपने प्यार को किसी के सामने भी वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, वो अपने प्यार को थोड़ा हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं. नोइंगली हो अनोइंगली हो ये पर्सन बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. पास्ट में उन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसका उनको डीप रिग्रेट है कि गॉड ने उनको किसी तरह का एक अपॉर्चुनिटी दिया था जो उन्होंने अवेल नहीं किया, और इसलिए उनके लाइफ में ये सारी प्रॉब्लम अभी है, ये चीज़ उनको फील हो रहा है, और इस चीज़ का वो बहुत रिग्रेट भी कर रहे हैं. हो सकता है कि आपके किसी तरह का ऑफर को ये तब एक्सेप्ट नहीं किए थे, और इस चीज़ का भी ये अभी पछता रहे हैं कि उस टाइम में मैंने क्यों नहीं एक्सेप्ट किया. आपसे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा, और उनको किसी तरह का नहीं मिला कि आप तक वो कैसे पहुँचे. अपनी फैमिली को डेफिनेटली अपनी फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ पर उनका ट्रू लव है, जिसके लिए वो इमोशनल होते हैं, जिसके लिए वो फील करते हैं, प्यार फील करते हैं, उनकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं. लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि इस तरह बढ़ने के लिए अगर वो किसी भी तरह का स्टेप उठाते हैं तो उनका पूरा जहाँ पे वो है ना, उनका पूरा चारों ओर का सिचुएशन उनके विपक्ष में चला जाएगा, और उनको इसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट करना होगा. थोड़ी इमैच्योर एनर्जी है मुझे जहाँ तक दिख रहा है, थिंकिंग में बहुत ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं. और ज़्यादा सोच रहे हैं, एक्शन लेने से ज़्यादा ना सोच रहे हैं कि क्या क्या सिचुएशन क्रिएट होगा. लेकिन ओवरऑल ये पर्सन जैसे भी है
ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं, हायरोफेंट कार्ड है, इनको ये चाहते हैं अल्टीमेटली शादी हो, चाहे सिचुएशन जैसा भी है, मुझे यहाँ पर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट नहीं दिख रहा है, फैमिली ही यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का रोल में दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है इसमें उनकी आपके पर्सन मैरिड पर्सन हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी की इतनी एनर्जी नहीं आई है, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो ये है उनकी करंट फीलिंग्स। अभी देख लेंगे कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। फीलिंग्स से तो काम नहीं चलता ना, तो देख लेंगे कि नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनका आपकी तरफ। डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इमीडिएट फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन ऑफ माय व्यूअर्स पार्टनर, स्टकनेस, बहुत स्टकनेस है। देखिए ये अभी जो सिचुएशन है ना, ये प्यार ऑफर करना चाहते हैं लेकिन खुद को रोक भी रहे हैं, किसी सिचुएशन का सोच करके, किसी आसपास के प्रॉब्लम्स का सोच करके ये खुद को रोक भी रहे हैं, डिटेस्ट मोड में हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल इनकी कुछ स्पिरिचुअल ग्रोथ होते हुए भी मुझे इनकी दिखाई दे रही है, लेकिन ये एक्शन लेंगे। हो सकता है थोड़ा टाइम टेकिंग है, ऐसा नहीं है कि बहुत जल्दी ये एक्शन ले लेंगे। विद इन अ मंथ आप किसी तरह का एक्शन इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर आपको कमिटमेंट ही मिल जाएगा, लेकिन किसी तरह का एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है विद इन अ मंथ। एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है लेकिन थोड़ा टाइम टेकिंग है, विद इन अ मंथ आपको किसी तरह का एक्शन इनसे देखने को मिल सकता है। तो इस सिचुएशन में हमारे डिवाइन हमारे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस दे रहे हैं वो देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स को कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए। डिवाइन गाइड कीजिए, जजमेंट, कोई जजमेंट होने वाला है, डिवाइन इंटरवेंशन से आप दोनों के रिलेशन में किसी तरह का जजमेंट होगा, किसी बड़ा फैसला होने के चांसेस अब मुझे दिखाई दे रहा है। डेथ, रीबर्थ, डेथ का एक और भी होता है कि कहीं पे अंत होता है तो कहीं पे शुरुआत भी होती है। इस रिश्ते में पूरी तरह से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर इस रिश्ते में आपके पर्सन कभी आ नहीं सकते तो उसका भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि अब आपको किसी तरह का वेट नहीं करना है। और अगर आपको वेट करना चाहिए, इस जो जजमेंट होगा, डिवाइन का जो इंटरवेंशन होगा, इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आप वेट कर सकते हैं या आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए, आपके पर्सन वापस नहीं आ रहे हैं। एनी टाइप ऑफ क्लैरिटी आपको मिल जाएगी अपनी लाइफ को सही करने के लिए। मैं लूंगी और दो कार्ड्स, और जिस जगह पे पॉसिबल है कि रीबर्थ हो आप दोनों के रिलेशन में, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके पर्सन खुद ही क्लैरिटी दे देंगे। सेवन ऑफ कप्स एंड फोर ऑफ पेंटिकल्स आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं कि आप अपने ऑप्शंस को देखिए, चारों तरफ के ऑप्शंस को देखिए अपने कैरियर के लिए। कैरियर में आप पूरी तरह से फोकस्ड हो जाइए, आपका अभी जो टाइम है ये टाइम है आपका कैरियर में ग्रोथ लाने का, ठीक है। तो आप अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए और अपने कैरियर पर आगे बढ़िए। लव लाइफ के लिए डिवाइन आपके लिए क्लैरिटी भेज देंगे। तो ये था आज का रीडिंग, होप आपको रीडिंग से कुछ गाइडेंस जरूर मिली है। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय।